इस सिरप का उपयोग बच्चों में अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर बच्चे को किसी प्रकार की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप बच्चे को पिलाने के लिए दिया जाता है। जैसे कि अगर बच्चे को किसी प्रकार से कोई इंजरी हुई है या फिर बच्चे को किसी प्रकार से चोट लग गया हो तब उस समस्या में उस घाव को भरने के लिए ये सिरप बच्चे को पिलाने के लिए दिया जाता है। और इस सिरप का उपयोग बच्चों में टाइफाइड बुखार की समस्या में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। निमोनिया की समस्या में इस सिरप का उपयोग किया जाता है बच्चों में, यानी बच्चों में अगर किसी प्रकार से उनके श्वास नली में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर बच्चों के फेफड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब ये सिरप पिलाने के लिए डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। और इस सिरप का उपयोग बच्चों में क्या दिक्कत, क्या तकलीफ, बच्चों को क्या समस्या रहती है, कौन कौन सी बीमारी में इस सिरप का उपयोग बच्चों को पिलाने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। इस सिरप का डोज क्या होता है, ये सिरप पिलाना कैसे होता है, इस सिरप का साइड इफेक्ट क्या होता है, ये सिरप कितना ml कितना mg यानी किस प्रकार से डोज निर्धारित करके बच्चों को पिलाने के लिए बताया जाता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में इस सिरप का उपयोग अगर बच्चे को निमोनिया की समस्या रहती है या उसे सांस नली में किसी प्रकार का इन्फेक्शन रहता है या फिर फेफड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन रहता है या फिर टाइफाइड बुखार की समस्या रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप बच्चे को पिलाने के लिए दिया जाता है। या फिर बच्चे के शरीर में किसी प्रकार का चोट लग गया हो या फिर बच्चे को किसी प्रकार से उसे सर्जरी हुआ हो, इंजरी हुआ हो, तो उस घाव को भरने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सिरप बच्चों को पिलाने के लिए बताया जाता है। जैसे कि इस सिरप का उपयोग, जैसे अगर कोई बच्चा है उसे किसी प्रकार से चोट लग गया हो, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा हो, वहाँ से घाव उसे हो गया हो और उस घाव को भरने के लिए, यानी अगर बच्चे को पुराने से पुराना घाव है वो घाव उसे भर नहीं रहा है तब डॉक्टर के द्वारा उस घाव की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सिरप बच्चों को पिलाने के लिए बताया जाता है। या फिर बच्चे के कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर बच्चे के नाक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या कान या नाक में किसी प्रकार का फोड़ा फुंसी की समस्या हो जाती है या फिर कान से मवाद आता है तब इन सारी प्रॉब्लम में इस सिरप का उपयोग बच्चे को करने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। यानी इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सिरप बच्चों को पिलाने के लिए बताया जाता है। जब बच्चों को निमोनिया की समस्या रहती है तब उस समस्या में क्या होता है, बच्चों के लंग्स में अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर लंग्स से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप बच्चों को पिलाने के लिए बताया जाता है। जैसे कि अगर बच्चे के आँख में कीड़ा मकोड़ा चला गया हो, उसकी वजह से अगर बच्चे के आँख में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर के द्वारा ये सिरप बच्चों को पिलाने के लिए बताया जाता है। और जैसे कि इस सिरप का उपयोग अगर बच्चों के हड्डियों में, यानी बोन इन्फेक्शन की समस्या में इस सिरप का उपयोग करने के लिए बच्चों को दिया जाता है। अगर बच्चों के हड्डियों में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप बच्चों को पिलाने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि अगर बच्चे के दांत में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए बच्चों को दिया जाता है। डेंटल इन्फेक्शन की समस्या रहती है छोटे बच्चे को तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि निमोनिया की समस्या में इस सिरप का उपयोग छोटे बच्चों में किया जाता है या फिर बच्चों में अगर खांसी की समस्या आता है, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कफ की समस्या रहता है तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए ये सिरप छोटे बच्चों को पिलाने के लिए दिया जाता है। जैसे कि अगर बच्चे को जब निमोनिया की समस्या रहता है तब उसे बलगम आता है तो उस बलगम की प्रॉब्लम को सुखाने के लिए, यानी उस बलगम की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सिरप छोटे बच्चों को पिलाने के लिए बताया जाता है। जैसे कि यदि कोई छोटा बच्चा है अगर उसे चोट लग जाता है, जहाँ पर चोट लगता है वहाँ पर आपने देखा होगा डॉक्टर के द्वारा टाका लगाया जाता है तो उस टाके की जो प्रॉब्लम रहती है, यानी जो टाका जहाँ पर लगाया जाता है उस टाके की जो घाव रहती है उस घाव को भरने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सिरप बच्चों को पिलाने के लिए बताया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर के द्वारा और भी बच्चों में बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी परेशानियों में इस सिरप का उपयोग बच्चों में करने के लिए डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के डोज के बारे में बताते हैं। इस सिरप का डोज क्या होता है, जैसे कि जो इस सिरप का डोज होता है ये डॉक्टर के द्वारा बच्चे की दिक्कत परेशानी और उसकी बीमारी को देखते हुए डॉक्टर बच्चे की बॉडी वेट और उसके एज के अकॉर्डिंग इस दवा का डोज निर्धारित करके पिलाने के लिए बताते हैं। लेकिन अगर बच्चा 1 साल से लेकर 2.5 या 3 साल के बीच में होता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप 2.5 से 3 ml पिलाने के लिए बताया जाता है। और जैसे कि अगर बच्चा 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में होता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप 4.5 से 5 ml पिलाने के लिए बताया जाता है। और अगर बच्चा
चार साल से लेकर 6 साल तक का होता है, तब डॉक्टर के द्वारा 5 से 5.5 ml पिलाने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जो इस सिरप में साल्ट हमारा होता है, एमोक्सासिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेंट, इस सिरप में साल्ट पाया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक सिरप होता है। जैसे कि इस सिरप का उपयोग बच्चों में लंग्स संबंधित समस्या में, यानी लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप बच्चे को पिलाने के लिए बताया जाता है। या फिर आई में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, आँख में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए बच्चों को बताया जाता है। या फिर ईयर इन्फेक्शन या बच्चे के कान में किसी प्रकार का फोड़ा फुंसी की समस्या रहती है, पस आता है, तब इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बच्चों में ये सिरप पिलाने के लिए बताया जाता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं। इस सिरप का क्या क्या साइड इफेक्ट देखा गया है। जैसे कि अगर आप बच्चे को ये सिरप पिलाते हैं तो बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे के शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ सकते हैं, डिजनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, नोजिया की समस्या हो सकती है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा और भी साइड इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। कभी भी आप अपने बच्चे को कोई टेबलेट, कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन, कोई दवा अपने मर्जी से ना दें।